के लिए। यहाँ पे हमारे पेस्ट्री वाले भैया केक को डेकोरेट कर रहे हैं इस पर, मतलब पूरा चॉकलेट स्प्रिंकल कर रहे हैं। हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं है, मैं ग्लव्स पहनना भूल गया तो टच नहीं करेंगे, दूर ही रहेंगे। भैया को बनाने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे इस पर। सो ये है चॉकलेट डिस्क। अब भैया इसको देखिए, चॉकलेट डिस्क को इस पर लगाएंगे। तो गाइस ये है ऑफिस एंड ऑल। सो अभी हम लोग चल रहे हैं किचन में, किचन में देखते हैं मतलब कैसे पूरा केक बनता है, क्या क्या है। एंड नीचे बहुत सारे केक रखे हैं तो उसे भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं किचन में। ये देखिए, ये पहले तो जो वर्क मतलब एम्प्लॉई हैं, देख सकते हैं फुल्ली पूरा हेड कवर मास्क एंड हाथों में ग्लव्स पूरा। एंड ये अभी एक केक बन रहा है, देख सकते हैं अभी केक को काट रहे हैं भैया। एंड इसको काटने के बाद इसको स्टैक करेंगे, मतलब लेयर बाई लेयर इसको एक के ऊपर एक रखेंगे। एंड मैंने भी मास्क पहन रखा है क्योंकि किचन में है तो सेफ्टी इज मस्ट। पहले अब इसे काट लिया भैया ने, देखिए इसे काट के निकालेंगे, उसके बाद इसे रखेंगे इस टेबल पे, इसके बाद इसे स्टैक होगा एंड फिर होगी आइसिंग एंड गनाज की कोटिंग होगी एंड उसके ऊपर क्रम कोट होगा एंड सब कुछ होगा। तो पूरी डिटेल मतलब पूरा कैसे केक बन रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी में। तो भैया ने ये केक के ऊपर का ये जो मतलब खराब मतलब जो जल बर्न हिस्सा था, मतलब बेकिंग के बाद थोड़ा सा पार्ट जो जला हुआ रहता है उसे निकाल रहे हैं ताकि बिल्कुल फ्रेश केक बने। तो ये एक लेयर निकल गया एंड जैसा कि मैंने कहा था शॉप में हाइजीन का बहुत ध्यान दिया जाता है एंड सेफ्टी, तो यहाँ पे भैया ने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है, ग्लव्स मास्क हेड कवर। वो सामने वाले भैया वो वहाँ पे बना रहे हैं पेस्ट्री, यहाँ पे देख सकते हैं ये पेस्ट्री बन रही है यहाँ पे पूरी, ये कट चुकी है। अब इस पर मतलब डेकोरेशन करेंगे, मतलब जो भी इसके ऊपर लेयरिंग मतलब केक केक के ऊपर मतलब जो चॉकलेट का वो कर स्प्रिंकल करेंगे एंड ऑल गार्निशिंग करने के लिए। तो भैया बना रहे हैं यहाँ पे, कौन सा केक बना रहे हैं भैया अभी? पाइनएप्पल। हाँ तो पाइनएप्पल देखिए, पाइनएप्पल मिक्स था फ्लेवरिंग, उसे मिक्स कर रहे हैं भैया अभी क्रीम में। एंड अभी सेकेंड लेयर की क्रीम कोट कर रहे हैं भैया एंड फिर से उसके ऊपर पाइनएप्पल फ्लेवरिंग ऐड कर रहे हैं, फिर इसे फिर मिक्स करेंगे एंड उसके ऊपर ये लास्ट लेयर थर्ड लेयर, इसे हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हाथ में ग्लव्स नहीं है, मैं ग्लव्स पहनना भूल गया तो टच नहीं करेंगे, दूर ही रहेंगे, भैया को बनाने देते हैं हम लोग। सो ये फाइनल लेयरिंग होगी केक की। अब इसे मतलब शेप देंगे पूरा कट करके, जो भी थोड़ा बहुत रफ एज रह गया होगा। एंड ये अभी भैया ने रोटेटिंग टेबल पर डाल दिया, अब इसे शेप देंगे पूरा। और अब भैया इस पर क्रीम की कोट करेंगे पूरा, मतलब पूरा क्रीम से कोटिंग करेंगे इसकी, तो देख सकते हैं। ऊपर से क्रीमी टेक्सचर मतलब प्लेन हो गया एंड फिर साइड में कोटिंग करेंगे इसकी। तो भैया एक केक बनाने मतलब कितना टाइम लग जाता है लगभग? 4 से 5 मिनट। एक सुना आपने, एक केक बनाने में 4 से 5 मिनट, मतलब केक बहुत जल्दी यहाँ पे बनता है, बस बेकिंग में जो टाइम लगता है वही है, नहीं तो केक बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो भैया केक को फाइनल शेप दे रहे हैं, मतलब जो रफ एज रह गया था थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्रीम थी उसे निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड केक पे क्रीम कोट हो चुका है, अब इस पे डिजाइन देंगे भैया केक का, देख सकते हैं ये रफ एज मतलब थोड़ा सा मतलब अप एंड डाउन मतलब माउंटेन शेप डिजाइन मिल रहा है इसको। एंड यहाँ पे हमारे पेस्ट्री वाले भैया केक को डेकोरेट कर रहे हैं इस पर, मतलब पूरा चॉकलेट स्प्रिंकल कर रहे हैं, चॉकलेट थोड़े मोटे मतलब टुकड़े हैं स्प्रिंकल कर रहे हैं, गार्निश कर रहे हैं अभी पेस्ट्री को। तो फ्रेंड जैसा मैंने कहा था आपको हर डिज़ाइन का केक यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं यही
हमारे दोनों भैया हैं डेकोरेशन के डिपार्टमेंट में, मतलब यहीं डेकोरेशन करते हैं। तो भैया आप हर सभी तरह के केक डिज़ाइन कर लेते हैं कि मतलब किसी केक में प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी? मतलब सभी तरह के केक डेकोरेट हो जाते हैं यहाँ पे, सभी तरह के केक रेडी मिल जाएंगे आपको, है ना। इस पर ये पूरा मतलब इस पर क्रीम कोट हो गया है एंड ऑल, अब इस पर भैया डेकोरेशन करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं भैया आप इस पर पाइनएप्पल ड्रिजल कर रहे हैं एंड ये तो अभी ये दूसरे फ्लेवर की मतलब आइसिंग इस पर डाल रहे हैं। ये कौन से फ्लेवर का भैया? स्ट्रॉबेरी। हाँ तो ये पाइनएप्पल प्लस स्ट्रॉबेरी इस पर मतलब आइसिंग हुई है। एंड अब एक बार फिर से इसको फाइनलाइज करेंगे। तो भैया इसके चॉकलेट के ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं। तो फ्रेंड एक बार फिर अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में प्रेस कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और एक बार फिर से अगर आपको कुछ भी मतलब कोई भी इशू या कोई भी केक डिज़ाइन या कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप भैया को फ़ोन कर लीजिएगा, नहीं तो शॉप पे आके अपना डिज़ाइन बता दीजिएगा। सारे केक यहीं पे रेडी होते हैं, सब आपको रेडी मिलेगा, रेडी ऑन टाइम। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सिल्वर बीट्स हैं यहाँ पे, एंड ये शायद गोल्डन है, नहीं ये सिल्वर है, मतलब गोल्डन कलर में बट है सिल्वर। एंड ये सारे अरोमास एंड फ्लेवर ये है पाइनएप्पल एंड ऑल, और ये सब प्रोपोलाइट के यूज़ होते हैं प्रोडक्ट। एंड देख सकते हैं प्राइसिंग मतलब महंगे, मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं FSSAI का मार्क इस पर भी है। एंड एक बार फिर अगर किसी भी खाने वाले चीज़ पे FSSAI का मार्क है मतलब वो बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट है, तो FSSAI का मार्क मस्ट होता है। एंड भैया की शॉप को एंड किचन को भी मिला है FSSAI का सर्टिफिकेट, तो इट्स मैंने कहा ना सबसे बेस्ट, सो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स अभी भैया ये बटर पेपर मतलब इसमें आइसिंग भर के इसके ऊपर फ्लावर ये सब डिज़ाइन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं भैया यहाँ पे डिज़ाइन बना रहे हैं, ये एक डिज़ाइन रेडी, अब नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे इस पर। सो ये है चॉकलेट डिस्क, अब भैया इसको देखिए चॉकलेट डिस्क इस लगाएंगे। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन रिपीट नहीं होता है, हर डिज़ाइन में कुछ ना तो कुछ चेंज होता है, तो आपको सेम डिज़ाइन का केक कभी नहीं मिलेगा एंड आपके डिज़ाइन का जो केक है वो तो रेडी मिलेगा ही। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉपी नहीं होती है, हमेशा कुछ न्यू होता रहता है, हमेशा हर चीज़ प्रोग्रेस में होती है। एंड ये बस फाइनल वाइट चॉकलेट के स्ट्राइप्स लगा रहे हैं भैया इस पर। एंड ये केक फाइनल, एंड आपने पूरी वीडियो में देखा कितना टाइम लगा। एंड ये लास्ट चॉकलेट स्टिक, सो द केक इज रेडी। सो आपने इस पूरी वीडियो में देखा केक को बनाने में कितना टाइम लगा। ये लास्ट एक चीज भूल गए थे बताना, अभी देखिए चेरी लगाएंगे भैया इस पे, और ये चेरी देख सकते हैं मतलब काफ़ी प्रिसाइजली और परफेक्टली काम हो रहा है। अगर कुछ भी गलत हो जा रहा है तो उसे तुरंत डिस्पोज कर दिया जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ या ख़राब होती है गिर जाती है उसे तुरंत डिस्पोज किया जाता है। सो अब केक इज रेडी, आपने देखा कि पूरे मतलब तो 4 से 5 ही मिनट लगे केक को बनाने में। एंड ये फाइनल टच, तो ये है पूरा केक देख सकते हैं। सो थैंक यू भैया केक कैसे बनता दिखाने के लिए। तो एक बार व्यूवर्स को हाय बोल दीजिए हमारे, तो भैया ना है तो चलिए फिर कभी आएंगे भैया से मिलेंगे। तो भैया बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, सी यू। तो गाइस जैसा आपने देखा हमारे भैया ने केक हमें बना के दिखाया एंड बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही कम टाइम में मतलब काफ़ी फास्ट मतलब 4 से 5 मिनट में केक एकदम रेडी था, रेडी टू ईट, मतलब 4 से 5 मिनट में केक पूरा रेडी हो चुका था। तो जैसा मैंने कहा था बेस्ट क्वालिटी बेस्ट सर्विस एंड
तो एक बार फिर अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो या लेना हो तो एक बार आप शॉप पे जरूर आएगा, मैं प्रीफर करूँगा एक बार आप आके देखे, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो यार हमेशा आते रहिएगा क्योंकि एंड अब बहुत जल्दी होम डिलीवरी शुरू, तो गाइस बहुत जल्दी नहीं होम डिलीवरी की सर्विस अब स्टार्ट हो गई है, भैया ही बताएंगे। तो भैया होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट हो गई है? जी हाँ, कोविड को देखते हुए हम लोगों ने होम डिलीवरी शुरू किया है, जो चार्जेबल है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, वो चार्जेबल है। हाँ तो भैया ने जैसा बताया कि मतलब होम डिलीवरी स्टार्ट हो गए, अब होम डिलीवरी मतलब कि आपको शॉप में आना पड़ेगा लेना पड़ेगा, तो कॉन्टैक्ट लेस मतलब थोड़ा सा उसमें कम हो जाता है, तो ऐसे जो भैया की डिलीवरी वो पूरी कॉन्टैक्ट लेस है। हाँ और उसके चार्जेस मतलब डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज लगेगा, तो चार्ज तो भाई अब डिलीवरी देंगे तो चार्ज तो लेंगे भाई, सब कंपनी लेती है, तो सही है। एंड अगर एक बार फिर से कह दूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।